अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। जैसे कि मैं घर में बनाती हूँ उस तरीके से ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी शुरू करने से पहले ये जो मैंने गाजर के हलवे की पिक्चर्स ली थी वो मैंने ऐड कर दी है यहाँ पे। और यहाँ से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, जो भी नट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो आप ऐड कर लेंगे। और छोटी इलायची का पाउडर बना लेंगे। 3-4 छोटी इलायची का ये पाउडर इस तरह से बन जाएगा। 1 कप जो है वो चीनी है, 1 किलो गाजर कद्दूकस की हुई, 1 पाव जो है वो खोया है, और 2 किलो के करीब दूध मौजूद है मेरे पास, जो कि मैंने उबाल कर इसको इस तरह रख लिया था। और इसकी गलाई को जो है वो रिमूव नहीं करना। सबसे पहले जो इसका प्रोसेस होगा वो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि खोया आपको बिल्कुल भी इसमें कम नहीं करना। खोया इसी मकदार में रखें या इससे थोड़ा मकदार 1.5 पाव कर लीजिए। खोया इसी मकदार में रखना है। सब अब पहले प्रिपेयर करने से पहले गाजर का हलवा आपने ये सब चीज़ें प्रिपेयर कर देनी है, ताकि उस वक्त जब आप इसको बुनाई की तरफ जाएं तो आपको उसमें चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पहले से सारे नट्स वगैरह सब चीज़ें मैंने तैयार करके रखी हुई हैं। अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी के लिए तो यहाँ हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करेंगे। घी भी मौजूद है मेरे पास यहाँ पे, 1 कप, 1/2 कप मैंने घी लिया। घी आप कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा घी और ज़्यादा शक्कर नहीं डालनी इस गाजर के हलवे में। वो मुनासिब रखना है मकदार। अगर आपको ज़्यादा घी या शक्कर पसंद हो तो आप इसकी मकदार को बढ़ा सकते हैं। मुझे जो है वो मुनासिब चीनी जो है वो अच्छी लगती है गाजर के हलवे में। और इसके अलावा घी भी इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता गाजर के हलवे में, जो कि हाथों में आए या फिर ज़्यादा ऑयली या स्टफ हो ये चीज़ें, तभी मैंने जो है घी की मकदार इसमें कम रखी है। सबसे पहले मैंने गाजर को जो है वो कढ़ाई ली, इसमें गाजर को ऐड कर दिया बग़ैर कुछ ऐड किए हुए पानी वगैरह। गाजर को 1 से 2 मिनट पकाया और उसके साथ ही फिर मैंने ये दूध ऐड कर दिया। 2 किलो दूध है, इसके साथ बलाई मौजूद है। इसको इसी तरह एज इट इज़ ऐड कर देना है और इसको मैं बॉयल होने तक पकाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से ये बलाई जो है वो इसमें जज्ब हो जाएगी और बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा इसका, खोई की तरह। और यहाँ मैंने जो है वो उसको, और चम्मच बिल्कुल भी नहीं इसमें चलाना ज़्यादा, मतलब क्योंकि फिर अगर आपने ज़्यादा चम्मच चलाया तो ये गाजरों की जो ये कद्दूकस हुई हुई ये टूट जाएंगे और मलीदा बन जाएगा, हलवा नहीं बनेगा। इसकी शक्ल कुछ मलीदे जैसी हो जाएगी, जो कि जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। लिहाजा चम्मच बहुत कम चलाना है। इसको मैंने बॉयल आने तक पकाना है। ये देखें इसमें बॉयल आना शुरू होगा, तो मैं फिर इसको जो है ये देखें ये बॉयल आ रहा है, और जैसे बॉयल आएगा तो फिर मैं इसको पकाने के लिए 30 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और साथ में जो है वो मैंने जो 4 छोटी इलायची का पाउडर बनाया हुआ था तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, वो ऐड कर देना है और इसको फिर ढक के रख देना है। ये देखिए मैंने छोटी इलायची का जो पाउडर है वो ऐड कर दिया था, और इसके बाद जो है वो मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए रख देना है। लेकिन बीच बीच में आपको चेक एंड बैलेंस रखना है कि इसकी क्या पोजिशन चल रही है। जब तक मिल्क ड्राई नहीं हो जाता हमें इसको इस तरह पकाना है, और तकरीबन 30 से 25 मिनट लगेंगे मिल्क आपका ड्राई होगा। लेकिन बीच बीच में आपने जो है उसे चेक करते रहते। ये देखें यहाँ इस तरह से कुछ इसकी शक्ल आएगी कि जो मिल्क है वो ऑरेंज कलर का होना शुरू हो जाएगा और ड्राई आउट होगा। और जितना मिल्क ड्राई आउट हो जाएगा उसके बाद मैंने चीनी ऐड कर देनी है। इसके अंदर चीनी ऐड कर दी थी। चीनी ऐड करने के बाद इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से स्पून को चलाया, उसके साथ ही फिर मैं घी ऐड करूँगी। इसमें घी को अच्छी तरीके से इसमें ऐड कर देना है, और घी के साथ इसको इतना पकाना है कि घी और जो गाजर का हलवा है वो अलग अलग हो जाए, वो नज़र आना शुरू हो जाए घी हमारा। जिस तरह हम मसाला भूनते हैं तो वो ऑयल अलग नज़र आना शुरू हो जाता है, इसी तरह हमने इसको पकाना है। फिर जब ये पक जाएगा तो उसमें मैंने खोया ऐड कर देना है। खोया ऐड हो जाएगा, उसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स करना है खोए को। खोया अच्छी तरीके से, अच्छा वाला खोया आप यूज़ करेंगे तो इतना ही कोई बेहतरीन टेस्ट आएगा। और ये जो है अगर होम मेड यूज़ करें तो वो क्या ही अच्छी बात है। और यहाँ मेरा गाजर का हलवा जो है वो तैयार हो रहा है, और तैयार हो चुका है तकरीबन। अब मैंने नट्स ऐड करने हैं इसमें। ये मैंने कद्दूकस कर लिए थे, बाकी जो बादाम और पिस्ते हैं इसको पहले ऐड करके 5 मिनट इसको मिक्स करके पकाया, ताकि इनका भी एक अरोमा, इनका भी एक टेस्ट जो है वो इसमें डेवलप हो जाए। उसके ऊपर से मैंने कद्दूकस किए हुए अपने नट्स वगैरह कर दी और गार्निशिंग कर दी। होप आपको अच्छी लगेगी ज़रूर।